वेलकम टू इक्यूज गेमिंग गाइस, कैसे हैं सब दोस्तों। हम आज एक ब्लड विवरण को हमने देखा है यहाँ पे, और मैंने ऑलरेडी क्रिस्टल कलेक्ट कर लिए हैं। आप मेरा हैचिंग वाला वीडियो देख सकते हैं कि क्रिस्टल्स कैसे कलेक्ट करते हैं। तो मैंने देखा है यहाँ पे एक घूम रहा है ब्लड विवरण, सो हम उसको कोशिश करेंगे टेम करने की। ये देखो इधर भसड़ मची हुई है, ये डिलो बहुत ज़्यादा है इस आइलैंड पे। और पैगो पता भी नहीं चलेगा कब आके तुमसे सामान चोरी करेगा और टेम भी हो जाएगा। यहीं पर है वो, अभी मैंने देखा था बैठे हुए, छोटा सा आइलैंड है और ये रहा। सो मजे की बात ये है कि ये आपको कुछ कहता नहीं है, क्रिस्टल विवरण और ये विवरण कुछ नहीं बोला अभी तक मेरे को। तो पहले तो आपको इसके करीब जाना पड़ेगा और फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आरक्यूसी में इजी है, वो आपको बता देगा कि क्या आपको प्रेस करना है। सो देख रहे हैं ना आप, तो ई प्रेस करना है आपको, उससे पहले ही उड़ गया है। और मेरे पास क्रिस्टल्स भी ज़्यादा नहीं है, अगर आप मेरी इन्वेंटरी देखें नीचे शायद एक होगा क्रिस्टल, दैट्स ऑल। आज मैंने एक क्रिस्टल विवरण को ट्रैप किया, उससे उसको 1 घंटा लगा मुझे उससे क्रिस्टल लेने में, और मिले कितने, सिर्फ एक क्रिस्टल। तो आपको क्या करना है, बस प्यार से धीरे से इसके पास जाने का है और ई प्रेस करने का है। सो मैंने ई प्रेस किया था तो इसने क्या किया, इसने कुछ उठा लिया क्या, स्टोन पिक किया है क्या इसने, पता नहीं चलता है यार क्या हुआ है। चलो आगे देखते हैं अभी। और ये चला गया उधर, यार ये बड़ा नाटक है इनका। वो विवरण जिससे मैंने क्रिस्टल्स कलेक्ट किए हैं, प्रीमियम क्रिस्टल मिलता है आपको विवरण से, और उसी से आपको पैसिव टेम कर सकते हैं आप किसी भी ड्रैगन को। यार वो मिलना बहुत मुश्किल रहा, 1 घंटा लगा उसे ट्रैप करने में। उसके नखरे इतने हैं कि इधर से उधर उड़े जा रहा है, उड़े जा रहा है। तो आप देखिएगा कैसे मैंने स्टोन ट्रैप बना के उसको ट्रैप किया था। बट मजे की बात है कि आप जब तक उसको ट्रैप कर रहे होते हैं वो आपको कुछ नहीं कहेगा, जब तक आप उस पर उसको अनकॉन्शियस करने के लिए, उसको डाउन करने के लिए आप उस पर बाणों की वर्षा करेंगे तभी वो आप पे अटैक करेगा। स्टेटस भी तो पता नहीं चलता है कि टेम हो रहा है नहीं हो रहा है। ये देखो यार क्या ड्रामा है, उधर घूम रहा है। अरे आजा भाई इधर, यार मैं तेरे लिए इधर इंतजार कर रहा हूँ। देखो क्रिस्टल कुछ नहीं है अपने पास, सिर्फ एक ही बचा हुआ है, और हो गया सो हो गया, नहीं तो ये प्रीमियम क्रिस्टल भी गया। अरे उतरा भाई नीचे, ये लो बारिश भी हो गई। बैठा बैठा बैठा। अरे इतने नखरे क्यों कर रहा है यार ये। ये देखो ये डिल्लो आ गया इधर से, मौका मिलता नहीं कि तुम हाथ साफ कर लो। कहाँ गया भाई, ऐसे अंधेरा हो गया है। और मेरा आरजी बैठा हुआ है उधर, उसके साथ भी कोई पंगे लेना शुरू कर देगा अभी। कहाँ गया भाई। सो ब्लड क्रिस्टल है तो ब्लड विवरण भी इधर ही घूमता है। थोड़ा सा मैंने देखा है क्रिस्टल्स के साथ में अलाइनमेंट रखते हैं आर्क वाले। कहाँ गया भाई, अंधेरा हो गया है, रात बड़ी ब्राइट है वैसे यहाँ पे। हाँ बे क्या है बे, तुझसे क्या मिलता है, कुछ मिलेगा क्या, कुछ तो मिल यार। ये मुझे पकड़ के ना ट्रैप ना कर ले, पता चला ट्रैप फ्लावर निकला और मैं इसके अंदर बैठा हूँ। पुराने जमाने का बड़ का पेड़ लग रहा है मेरे को ये। कहाँ है भाई तू, पूरा उधर है उधर है। मिल गया मिल गया मिल गया, छोटे से आइलैंड पे मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ इसको यार। जंगल इतना बड़ा बड़े है ना, झाड़ियाँ ही यहाँ मेरी जितनी है। ये देखो हाँ ये रहा, चलिए ये जल्दी से ही प्रेस कर लेते हैं। अरे हो जा भाई, वो आ गया उधर से चाचा ताऊ। गॉड देखो टेम हो गया और मुझे लेके भी उड़ गया है साथ में। ओ गॉड। चलिए दोस्तों अभी मैं कुछ भी, इसका नाम मैंने रख दिया है ABCD, और मैं बैठ गया हूँ इस पे। और इसको जो है इसको इमेज ब्लर कर दिया इन्होंने। इसका नाम मेरे को बताइए आप क्या रख सकते हैं कमेंट करके, और मैं इसका नाम वही रख दूंगा। लाओ भाई नीचे बैठो। अरे इसकी तो लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही पत्थर तोड़ रखे हैं, बहुत ज़्यादा लोड हो रखा है। थोड़ा सा मुझे अपनी इन्वेंटरी खाली कर लेता हूँ। ये देखिए ब्लड व्यूरन जो है वो फायर की, मतलब फायर की जगह ब्लड अटैक करता है। अब पता नहीं इससे डैमेज कितना होता है। ये स्टोन्स हम गिरा देते हैं, इनसे वजन हो रखा है। चलिए देखिए स्टोन्स गिराते ही बैठ गया ये, और इसको भी गिरा देते हैं। बाकी तो जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ हैवी नहीं है अपने पास। कहाँ हो भाई बताओ जल्दी। तो
इसका स्टेमिना बढ़ा लेते हैं, क्योंकि स्टेमिना बहुत चाहिए होता है इसको। राइट क्लिक से ये ब्लड अटैक करेगा तो स्टेमिना आधा ऑलमोस्ट खा जाता है। और मेरा आरजी किधर है? चलो यहाँ पे बैठो भाई। अब यार इनको लेके कैसे जाना? अरे पेड़ पे बैठेगा क्या? ओ भाई गिर गया। अरे गई इसकी हेल्थ। पेड़ पे बैठने की कोशिश कर रहा था। ये रहा अपना आरजी भी इधर ही है। कितना छोटा सा लग रहा है ना आरजी, दिख भी नहीं रहा है। और इसका फिर से हम थोड़ा सा स्टेमिना बढ़ा देते हैं, लेवल आया है। इसको खाना देते हैं, थोड़ा सा भूखा मर गया है ये, इसकी हेल्थ भी खत्म है। इसको लेवल देंगे हम, स्टेमिना और हेल्थ पे फोकस पहले करेंगे, वो हमें चाहिए। और यार इनको लेके कैसे जाना है? ये तो मुझे फॉलो कर रहा है। चलो थोड़ा सा इससे मारते हैं, जिससे इसको थोड़ा सा लेवल मिल जाएगा। चलो ये देखा, लेवल मिल गया। शुरू में तो लेवल जल्दी जल्दी मिल ही जाते हैं। बहुत बढ़िया। ये क्या है, 3200? अरे ये मेरा आरजी लड़ने के चक्कर में वहां कहाँ पहुंच गया है। अब इसको लाना मुश्किल हो जाएगा। एक ग्लिच मैंने ये भी देखा है। चलो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इन्वेंट्री है यहाँ पे, देखो यू से हम फॉलो ऑल करा सकते हैं। बट मैंने ग्लिच देखा है कि कभी यू से फॉलो ऑल होता नहीं है। इतनी बार मैं बैठ के विवरण पे प्रेस करता हूँ, यू कोई सुनता तो है नहीं। चलो पहले इसको मारते हैं। डैमेज भी बहुत कम है अभी इसका, मिली डैमेज बढ़ाएंगे हम। वो देखो अरे मार दे भाई जल्दी इसको। हो गया, मर गया। अब आरजी को कैसे लेना है इसे? सुनते तो ये है नहीं। यू प्रेस करूंगा, कोई नहीं आता। थोड़ा सा इसको फीड कर देते हैं, इसका स्टेमिना बढ़ा देते हैं। ओके सो अब इसको कैसे लेके आना है उधर से? यार ये बड़ा पेचीदा काम है। कई बार मैंने विवरण पे बैठ के ट्राई किया है फॉलो ऑल करना, कोई नहीं आता है। ये देखो बस वहां पे खड़े उड़ता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, आएगा नहीं। लेकिन थोड़ा और पास से ट्राई कर सकते हैं। ये देखो कोई फर्क नहीं पड़ता उस भाई को। ये ग्लिच है कुछ, मतलब क्रिएचर पे बैठ के फॉल ऑल कुछ। अगर ट्रिक है आप लोगों के पास तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। अरे यार ये नहीं आने वाला। सिंगल फॉलो फॉलो ऑल कुछ नहीं समझ रहा हूँ, अनपढ़ है। एक काम करता हूँ, खुद ही जाके लाना पड़ेगा लग रहा है। अरे भाई तू अपने मस्ती में मस्त है। फायर अटैक तो अटैक तू करेगा नहीं, क्योंकि तेरे पास फायर है ही नहीं, तेरे पास ब्लड ही है। तो ब्लड रे,